हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको थ्री पीस वाला प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाना सिखाऊंगी। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। हमने पिछले बार भी कितना सारा प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाया है, उस इन दोनों में फर्क इतना है कि इसमें पट्टी आता है, उसमें पट्टी नहीं आता है, और ये वाला ब्लाउज में भी यूज होता है और वो हम लहंगा में भी पहन सकते हैं। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। हम यहाँ पर लेंथ 14 इंच ले रहे हैं। लंबाई हमेशा हमें 14 इंच प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा रखना चाहिए, क्योंकि मार्जिन की स्टिचिंग के लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। हम यहाँ पर 32 साइज के लिए ब्लाउज बना रहे हैं। 32 को अगर हम डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आ जाएगा 8 इंच। हम यहाँ पर 8 इंच पर मार्क करेंगे, प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। आ गया। हम अब अपना गला और हम आर्मोल निकालेंगे। पहले हम 6x6 का बॉक्स निकाल देंगे तो हमारा जो आर्मोल है वो आसानी से निकल जाएगा। 32 ब्लाउज में ये बहुत ही इजी से 32 ब्लाउज में ऐसे ही प्रोसेस करना है कि हमें 6x6 का एक बॉक्स बनाना है तो आराम से हमारा जो आर्मोल निकल जाता है। यहाँ पर हमने 6x6 का बॉक्स बनाया और यहाँ पर हमारा आर्मोल निकल गया। अब हम ये जो 6 है इसे हाफ कर देंगे और 1 इंच का गैप रखते हुए हमें शेप देना है। उसके बाद हम अपना गला निकालेंगे। गले की ब्रेथ हम 2.5 इंच रख रहे हैं और इसकी लंबाई हम 6 इंच रख रहे हैं। अब हम इसे शेप दे देंगे। आप कोई भी शेप दे सकते हैं, मैं यहाँ पर गोलाई का शेप दे रही हूँ। अब हम अपना जो प्रिंसेस कट का मेन पार्ट निकालेंगे, मतलब नीचे का पट्टी, उसके बाद हम यहाँ पर उसका जो मेन पार्ट निकालेंगे। यहाँ पर हमारा जो बटन पट्टी और कास्ट पट्टी का साइड जहाँ पर है वहां पर हम 4 इंच पर मार्क करें, 4.5 तक हम मार्क कर सकते हैं, उसके ज्यादा उसके ऊपर हमें नहीं लेना है। मतलब 5 इंच और 5.5 इंच वैसे नहीं लेना है, 4.5 इंच ही हमें लास्ट है। हम यहाँ पर 4 इंच ले रहे हैं और यहाँ पर जितना लिए हैं यहाँ पर उसका 1 इंच कम लेंगे, मतलब 3 इंच यहाँ पर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर तिरछा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम कटोरी ब्लाउज में और प्रिंसेस कटोरी ब्लाउज में इस तरफ आएगा और जो कटोरी आएगा इस तरफ और प्रिंसेस कट में इस तरफ आता है, तो हम यहाँ से लेकर इसका हाफ हम कर लेंगे। मतलब यहाँ से 4.5 इंच पर हम मार्क करेंगे प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ पर हम कट यहाँ पर हमें गोलाई देना है। गोलाई देने के बाद यहाँ पर 1 इंच का जो हमारा प्लीट निकलेगा जिसे हम कट कर लेंगे। यहाँ से हमें 1 इंच का गैप रखना है, गोलाई देते वक्त हमें इजी होगा। अब हम यहाँ पर अपना जो प्लीट की मार्किंग करें यहां से 1 इंच का गैप रखें इस तरफ और इस तरफ भी 1 इंच का गैप रखें और इसकी लंबाई हम यहाँ पर 2 इंच रख रहे हैं और अब हम अपना शेप दे देंगे। इसे हम कट कर लेंगे। अब हम हमारा जो पूरा प्रिंसेस कटोरी का प्रिंसेस कट ब्लाउज है उसे पूरा कंप्लीट हो गया है। हम यहाँ पर सिंगल शीट में कर रहे हैं। आपको फैब्रिक जो है इस तरफ फोल्डेड साइड रखना है और इस तरफ ओपन साइड रखना है। अब हम इसे कट कर लेंगे।
एग्जाम्पल जो हमारा प्लीट है उसे भी हम कट कर लेंगे। अब हम अपना गला को भी कट कर लेंगे। अब हमारा जो प्रिंसेस कट ब्लाउज का जो हमने 3 पीस निकाल लिया है आप देख सकते हैं। अब हमारा प्रिंसेस कटोरी ब्लाउज कंप्लीट हो गया है। हमने यहाँ पर हमने पहले ही बोल दिया था कि हमने यहाँ पर सिंगल शीट में कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा 3 पीस निकला है, मतलब एक साइड का हमारा निकला है। अगर आप डबल पीस में कर रहे हैं तो मतलब यहाँ पर फोल्डेड साइड है तो आपका 2 पीस निकलेगा, और यहाँ पर आपको कट कर लेना है क्योंकि यहाँ पर बटन पट्टी और कास्ट पट्टी निकलेगा। हम यहाँ पर बैक नेक डिजाइन और बैक साइड की कटिंग नहीं कर रहे हैं, पर हम आपको बता दे रहे हैं। बैक के लिए हम 14 इंची लेंगे, 1 इंच की जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर हम जो स्टिचिंग करेंगे बैक नेक में वो सब नहीं है, सिर्फ नीचे का भाग है और ऊपर का भाग। बट यहाँ पर हमें इस तरीके से रखकर जब हम सिलाई करेंगे तब हमें यहाँ पर 1/2 इंच और यहाँ पर 1/2 इंच चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा 1 इंच का मार्जिन रखा था। अब हम अपना जो बैक नेक करेंगे बैक साइड का पार्ट, तो हम 14 इंच लेंगे और हम यहाँ पर जैसे हमने गला लिया है वैसे ही 2.5 इंच लेंगे, और गले की लंबाई आप अपना गले की ब्रेथ डेप्थ जितना रखना चाहते हैं उतना आप रख सकते हैं, और आर्महोल भी आपको ऐसे ही निकालना है, तो आपका बैक साइड का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।